मैं आपको अपनी मजबूरी कैसे बताऊं? क्यों मैं सच्चाई बताने की बजाय किसी और के घर में शरण लेकर छिपी बैठी हूं? जो भी हुआ था और आपने उसके बारे में जो भी सुना था, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूं, मगर मैं कितनी अभागन हूं, सच भी नहीं बता सकती। इस समय मैं इतने साल जिस परिवार के लिए तरसती रही हूं, आज उनसे खुलकर भी मिल नहीं सकती। नहीं, हमें कुछ नहीं बताया। लेकिन इतनी रात को जा कहां सकती है वो? मेरे घर का सारा गहना लत्ता लेकर भाग तो नहीं गई वो? मुझे मुझे पहले से शक था। मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस में रपट लिखवानी चाहिए। हाँ, मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी वजह से आज इतना कुछ सहना पड़ा तुम्हें, मेरी वजह से। यशोधरा, यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ मैं कि अब जब भी कनिका की शादी की बात चलेगी, लोग वही बात फिर से दोहराएं। फिर माँ की बेटी है, संस्कार नहीं है उसमें, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो यशोधरा, आगे से ऐसी बात ना हो उसका ध्यान रखना होगा हमें, वरना कनिका की शादी कभी नहीं होगी। हे भगवान, क्या करूं मैं? मुझे सबको सच बताना पड़ेगा। हाँ, रुको, क्या कहोगी उनसे? इतने साल जेल की सजा काट कर आई हो, दुनिया वाले तेरे बच्चों को खूनी माँ की औलाद कहेंगे, क्या होगा तब उनकी जिंदगी का और उनकी भविष्य का? सानिया, तुमने देख लिया, तुम्हारी हर चीज ठीक है? जी चाची जी। चाची जी, सामान तो यही पड़ा आंटी का, यहीं कहीं गई होंगी, आ जाएंगे अभी। संस्कार, वो बैग तो चेक करो, बैग चेक करने में क्या हर्ज है? देख लीजिए, देखो यार, देखो भाई, देख लो। चाची जी, घर का सारा सामान वैसा का वैसा ही है। देखो कहीं पता मिल रहा है क्या, फोन नंबर मिल रहा है क्या, देखो तो सही। बटुआ, खोलो जल्दी से, खोलो खोलो। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। वो क्या है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने सोचा इतनी रात को आपको तकलीफ ना दूं, इसीलिए दवाई लेने चली गई थी। हम आपको घर में ना देख के थोड़े से डर गए थे। खैर कोई बात नहीं, आप दवाई ले लीजिए, उसके साथ थोड़ा सा गर्म दूध पीजिए। अगर सच में दर्द ना हो रहा होता सर में और दवाई नहीं लेती, तो आज क्या होता? पता नहीं, लोग इतनी जल्दी दूसरों के लिए अपनी राय कैसे बना सकते हैं? बनाने दो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे लोगों के यहाँ हम अपनी कनिका की शादी नहीं करेंगे। कनिका पूरी जिंदगी तो घर पे नहीं बैठ सकती, उसे भी जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी, बल्कि हर किसी को जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, फिर चाहे वो उम्र में बड़ा हो या छोटा। हर इंसान अकेला पड़ जाता है। पापा की दूसरी शादी की बात कर रही हो? इस उम्र में पागल हो गई हो तो? इस उम्र में शादी कंपेनियनशिप के लिए करते हैं, घर के रीति रिवाजों के लिए करते हैं। करारत पापा के पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पर इस उम्र में जिस साथी, जिस सहारे की जरूरत है, वो हम बच्चे भी उन्हें नहीं दे सकते। इस बारे में मुझे और बहस नहीं करनी। अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं देख सकते आप, हम भी नहीं देख सकते, लेकिन लेकिन पापा की खुशी के लिए यही एक रास्ता है।